दुमका बिरसा दिव्यांग समिति एवं दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा के संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन पुराना स्थापना के प्रांगण में किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के कोषाध्यक्ष प्रीतम कुमार सिंह ने किया। इस बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त दुमका के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए रैंप एवं रेलिंग का निर्माण किया गया। समिति की ओर से उपायुक्त को हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नया समाहरणालय निर्माण से ही दिव्यांग भाई एवं बहनों की सुविधा के लिए अपने आवेदन एवं अन्य समस्याओं के लिए समाहरणालय कक्ष जाने में परेशानी होती थी, परंतु उपायुक्त दुमका रविशंकर शुक्ला के द्वारा दिव्यांगजनों की समस्या को गंभीरता के लिए रैंप एवं रेलिंग का निर्माण करवाएं। इसके लिए उपायुक्त दुमका को जिले के सभी दिव्यांगजनों की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह को भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने दिव्यांगजनों की समस्याओं को विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, इसके लिए भी उनको जिले के सभी दिव्यांगजनों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन देता हूं। इस बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष बलदेव राय ने उपायुक्त महोदय से ये मांग की है कि दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ा जाए। समिति के कोषाध्यक्ष प्रियतम कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं पर झारखंड सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। मैं राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का अविलंब विचार करें। अध्यक्ष नितेश कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएं अगर समय रहते पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन छोड़ेगी। आज की बैठक में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग भाई एवं बहन उपस्थित हुए। उपेंद्र राय, संतोष प्रसाद साल, लखपति माल, अनीता देवी, लक्ष्मण दरवे, संजीव कुमार मोहाली, सीताराम साह, संदीप मरांडी, देवलाल राय, द्वारिका कुमार, रामचंद्र राय, सुमिता बिसरा, पाकू बास की, जानकी कुमारी, भोला मिस्त्री, अजीत कुमार रायश्र, राजेश प्रसाद साह, जत्रु पंडित, संजय ठाकुर, सैमुअल टुडू, अरुण कुमार दास आदि। दुमका से आगर सिंह हेम्ब्रम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।